अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शादिक रेहान, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम शामिल कर रहे हैं कुछ बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग न्यूज़। तो चलते हैं पहली न्यूज़ की जानब, जो कि है लिनोवो की जानब से। और लिनोवो अगले साल सन 2017 में बहुत ही जल्द एक लैपटॉप रिलीज़ करने जा रहा है, जिसका नाम है योगा बुक 2। और इसमें दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इस्तेमाल करने को मिलेंगे, एक होगा गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होगा माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ 10। तो व्यूअर्स, ये जो गूगल क्रोम होगा, ये एंड्रॉयड टाइप एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और दूसरा जो माइक्रोसॉफ्ट का है विंडोज़ 10, वो उसको तो आप जानते ही हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस ये जब सन 2017 में रिलीज़ होगा, तो इसकी प्राइस कितनी होगी ये कुछ कन्फर्म नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इसमें दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होंगे, एंड्रॉयड और विंडोज़ 10, इन दोनों को ये सपोर्ट करेगा एट द सेम टाइम। और जिन इनमें से जो भी आप इस्तेमाल करना चाहे आप कर सकते हैं। और अगली न्यूज़ है जनाब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और वो है ये कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक ब्राउज़र तैयार कर लिया है। जिस तरह के आपको पहले मालूम है कि ब्राउज़र था, वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर, और वो काफ़ी स्लो था और काफ़ी, मतलब कोई भी उसे यूज़ नहीं करता था, सिवाय जब विंडोज इंस्टॉल की जाती थी तो उस वक्त मजबूरी के तौर पर अगर एक आध दफ़ा यूज़ कर लिया जाता था तो ठीक है, नहीं तो कोई इस्तेमाल नहीं करता था। दूसरे जो ब्राउज़र्स हैं वो इंस्टॉल कर लिए जाते हैं, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट ने इस टेंशन को ख़त्म कर दिया है और उन्होंने अपना है एक नया, इसे कहते हैं कि एक ब्राउज़र तैयार कर लिया है। और इससे नुकसान होगा अडोबी फ्लैश प्लेयर को, क्योंकि जो नया ब्राउज़र आ रहा है उसमें फ्लैश प्लेयर की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही उसमें ऐसा बिल्ट इन होगा कि वो प्लेयर इस तरह का बिल्ट इन होगा कि वो खुद ही वीडियोस को प्ले करेगा, अडोबी फ्लैश प्लेयर को इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अडोबी फ्लैश प्लेयर को अब कहते हैं गुड बाय, और माइक्रोसॉफ्ट कहते हैं वेलकम। तो देखते हैं कि किस तरह का होता है और किस तरह का नहीं होता है, ये तो जब आएगा तो पता चलेगा, इसी वीक में आने की तवक्को है, तो देखते हैं कि क्या होता है। अगली न्यूज़ है व्यूअर्स फेसबुक की जानब से, और फेसबुक ने एक ऐसा ऑप्शन लॉन्च कर दिया है, और या लॉन्च कर दिया है कुछ कंट्रीज़ में और कुछ में करने जा रही है। तो वो ऑप्शन ये है कि अब आपकी फेसबुक पर सिर्फ और सिर्फ वो उस तरह के एड्स शो होंगे जिस तरह के आप चाहते हैं, और दीगर जो एड्स हैं जिनको आप पसंद नहीं करते, तो वो एड्स जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट वो आपकी फेसबुक पर शो नहीं होगी। इस तरह का कुछ पहले भी ऑप्शन थे, लेकिन वो कुछ खास लोगों के लिए, तो लेकिन अब ये फेसबुक ने सबके लिए एक ऑप्शन लॉन्च करने जा रहा है कि आप किसी तरह के भी अपने नापसंदीदा ऐड को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसमें अल्कोहल वगैरह के जो एड्स हैं आप उनको इजीली ब्लॉक कर सकते हैं, ताकि अगर आपके, ये बच्चों के लिए ख़ास तौर पर बेहतर है कि आप अपने बच्चों को जो गलत हैबिट्स की जर बढ़ रहे हैं तो उनको आप रोक सकते हैं, आप उन बुरे एड्स से बचा सकते हैं। तो ये थी फेसबुक की जानिब से एक न्यूज़। तो अगली न्यूज़ क्या है चलें देखते हैं। अगली न्यूज़ व्यूअर्स ये है कि वीडियोकॉन अल्ट्रा 3 जो एक स्मार्टफोन है, 4G सपोर्टेड है, वो लॉन्च किया है वीडियोकॉन ने। और इसमें सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि इसमें फ्रंट फ्लैश है और 400,000 की जो mAh बैटरी है, और इसके साथ इसकी प्राइस बहुत ही कम है, 2,000 रुपये में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है। तो ये ख़ास ऑफ़र है जो महदूद वक्त के लिए है, बाद में क्या होगा, वीडियोकॉन की जानब से इसकी प्राइस कितनी होगी ये कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी तक जो है वो ये है कि आप इसको 9,000 रुपये में परचेज़ कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त स्मार्टफोन है और 4G सपोर्टेड है, और इसके अलावा फ्रंट फ्लैश भी है और बैटरी भी बहुत अच्छी है, तो आपके लिए एक ऑफ़र है, आप परचेज़ कर सकते हैं। और व्यूअर्स, ये था आज का टॉप टिकटॉक। तो अगली एपिसोड तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप इसे पसंद करते हो इस तरह की वीडियोस को, तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर किसी किस्म की आपको कुछ समझ ना आए, तो आपको लगता हो कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियोस के एंड में जाकर।
तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।